हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज का जो सुपर सील्ड इफेक्ट है, यानी कि वो जो सील्ड ओपन करते हैं, तो उस तरह का इफेक्ट आप अपने लिए कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भाई मुझे भी थोड़ा यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 1 लाख कंप्लीट हो चुका है, और इसके लिए सबसे पहले तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरे हर वीडियो को वो देखते हैं, तो यार दिल से जो है आप लोगों का शुक्रिया है, धन्यवाद करता हूँ मैं आप लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मुझे जो है सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी कुछ बातें हैं जो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि अभी रिसेंटली क्या है, तो ये वो टॉपिक नहीं है। अभी जो है ट्यूटोरियल की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है कुछ इस तरह का अपने वीडियो जो है एक शूट कर लेना है। आप चाहें तो ग्रीन स्क्रीन में भी शूट कर सकते हैं। मैंने जो है बिना ग्रीन स्क्रीन का जो शूट किया, आप अगर ग्रीन स्क्रीन से शूट करेंगे तो आप बैकग्राउंड में कोई सा भी बढ़िया सा जो है बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। तो मैंने बिना ग्रीन स्क्रीन का जो है इस वीडियो को कुछ इस तरह से मैंने शूट किया है, तो आप भी इस तरह से शूट कर लीजिए। इसके बाद में काइन मास्टर ओपन कर लीजिए। काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो इस फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो वीडियो है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमारा वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम जो है अपना जो वीडियो का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद में हमको लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो है डॉक्टर स्ट्रेंज का जो इफेक्ट वाला है सील्ड इफेक्ट है उसको हमको जो है इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों वीडियो लेयर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में आपको राइट साइड में ऑप्शन जो नज़र आ रहा है उसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आपको ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन नज़र आएगा। तो ये ऑप्शन जो है आपको जो काइन मास्टर नया अपडेटेड वर्जन है उस पर ही आपको मिलेगा, पुराना वर्जन पे आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपना जो है अपडेटेड वर्जन काइन मास्टर यूज़ कीजिए, और यहाँ से जो है आपको ब्लेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आपको स्क्रीन सिलेक्ट करना है, और आपका जो है जो ब्लैक है बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों डॉक्टर सील का जो वीडियो लेयर है उसमें जो है आपको एनिमेशन देना है, कलर करेक्शन करना है। तो आप अपने हिसाब से जो है आपका हैंड है, पोजीशन है, उसमें जो है आप अच्छे से जो है एनिमेशन वगैरह दीजिए। आप जो है थोड़ा कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, थोड़ा कलर एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको पूरा एनिमेशन करना है, तो आप देख लीजिए इस वीडियो को किस तरह से मैंने अपने वीडियो पे एनिमेशन किया है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने अपना पूरा टाइम लेते हुए अपना एनिमेशन जो है पूरा जो है कर लिया है। तो इस तरह सा इफेक्ट जो है मेरा बन गया है मेरा एनिमेशन का। अब इसके बाद जो है कुछ और इफेक्ट वगैरह जो है ऐड करने बाकी है, तो यहाँ से जो है मैं लेयर पे क्लिक करूँगा, और जहाँ से अपना सील्ड इफेक्ट चालू हुआ है वहाँ से जो है हमको जो है एक और इफेक्ट ऐड करना है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो जितने भी पैक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस वाले इफेक्ट को जो है हमको इम्पोर्ट कर लेना है, और यहाँ से जो है हम फिर से ब्लेंडिंग में जाएंगे, और यहाँ से जो है स्क्रीन पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों इसको भी हमें जो है सील्ड के साथ जो एनिमेशन वगैरह देना है तो एनिमेशन वगैरह कर लेना है। तो ये जो है सील का इस तरह का इफेक्ट है, तो इसको जो है आपको एनिमेशन वगैरह दे देना है। कर लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ से हम राइट साइड वाले जो इन एनिमेशन है उसको क्लिक कर देंगे, और यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो
आपको इसमें जोड़ना है तो यहाँ से जो है हम लेयर पे क्लिक करके मीडिया ब्राउजर से जो है उस वीडियो को जो है हम उस इफेक्ट वाले वीडियो को जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस लेयर को भी हम सिलेक्ट करने के बाद में हम इसको जो है ब्लेंड कर देंगे और इसके बाद में इसको भी जो एनिमेशन वगैरह हमको देना है अपने तरीके से हम जो है एनिमेशन दे देते हैं। तो चलिए मैं अपना जो भी एनिमेशन है इसको जो है मैं दे देता हूँ। तो गाइस फाइनली जो है मेरा पूरा एनिमेशन एक हाथ का जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसी तरह जो है मुझे अपने सेकेंड हैंड में भी जो है एनिमेशन वगैरह दे के जो है दूसरा सील इफेक्ट कर लेना जो एडिटिंग है वो कर लेना है। मगर इससे पहले जो है इस वाले हैंड का जो है इसको वीडियो को जो है मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि जो है सेकेंड वाले हैंड में फिर से ज़्यादा लेयर जो है सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस वाले को जो है हम पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं उसके बाद में दूसरे वाले हैंड का भी जो है हम इसी तरह पूरा एनिमेशन वगैरह दे के और जो भी हम इन एनिमेशन आउट में एनिमेशन वगैरह दे के जो है हमको इस तरह का क्लिप तैयार कर लेना है। तो दोस्तों दूसरे हाथ का भी जो है सील एनिमेशन वगैरह हमारा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से जो है हमारा वीडियो इफेक्ट नज़र आएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और ट्यूटोरियल आपको मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।